पंजाब के पठानकोट में देखे गए 7 संदिग्ध। संदिग्धों ने गांव की एक महिला से पानी मांगा। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू में शहीद लांस नायक सुभाष चंद्र को दी गई श्रद्धांजलि। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के दौरान हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़। 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर। 1 जवान भी शहीद हुए। काठमांडू में टेक ऑफ के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त। नेपाली मीडिया के हवाले से, हादसे में 18 लोगों की मौत। चालक समेत विमान में 19 लोग सवार थे। नेपाल हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। प्लेन क्रैश होने के बाद विमान में आग लगी। टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसला था विमान। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में मौके पर लोगों की भारी भीड़ लगी। हादसे के बाद में आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। गुजरात के डांग में भारी बारिश। उफान पर जीरा धरना। आपको बता दें, जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट। गुजरात के नवसारी में भारी बरसात की वजह से बिगड़ते हालात देखे गए। बनी बाढ़ जैसी स्थिति। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में बारिश का शिकार हुए 2 युवक। नाला पार करते समय बाइक सहित बहे दोनों युवक। नहीं हुई कोई अनहोनी, दोनों सुरक्षित निकले। एमपी के दमोह में जमकर हुई भारी बरसात। तेज बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दमोह में तेज बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हुई। पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां। लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई। लोकसभा कार्रवाई के दौरान विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा। बजट को लेकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। सदन में हंगामे पर बोले स्पीकर। कहा, सदन में हंगामा करना गलत। बजट को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा। लोकसभा के अलावा राज्यसभा में हुआ हंगामा। बजट को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये बजट नहीं अन्याय है। बंगाल में ममता सरकार का तुगलकी फरमान। दुर्गा पूजा पंडालों के लिए जारी किया आदेश। पुलिस को देनी होगी पंडाल के थीम की जानकारी। दुर्गा पूजा समितियों ने ममता के आदेश पर जताई आपत्ति। कहा, सरकार क्यों तय करेगी थीम। पटना में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रतिबंधित इलाके में बिना इजाजत किया प्रोटेस्ट। कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। हालात बिगड़ने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार की। महंगाई, अग्निवीर योजना समेत कई मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कर्मचारी। विधानसभा मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज। चौराहे पर मची अफरा तफरी। पुलिस ने संभाला मोर्चा। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में दोनों सरकार से नाम मांगे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह के घर पर ईडी का छापा। विधायक के बेटे पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। विवादों में फंसने के बाद पिछले 5 दिनों से लापता है पूजा खेड़कर। अभी तक पुलिस को लोकेशन नहीं मिली है। तलाश लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में हुए मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शख्स पर 17 बार चाकू से हमला किया गया। वीडियो में वायरल लहराता हुआ नजर आया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मेडिकल कॉलोनी में गोलीबारी। रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के बीच में चली गोली। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। और बात यूपी की करेंगे। आपको बता दें, जीरो टॉलरेंस के तहत में काम करने वाली योगी सरकार की नीति सबके लिए एक बराबर है। अपराध और अपराधी पर उससे अपराध को जड़ से खत्म करने की कसम खाने वाले यूपी के मुखिया माहौल बिगाड़ने वालों को न सिर्फ सबक सिखाते हैं बल्कि उनके खिलाफ में कार्रवाई भी की जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ बरेली में, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुए बवाल में एक शख्स की मौत हो गई। परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई तो योगी ने एक्शन में सीधे सीधे अपने चित पर परिचित अंदाज में एक्शन लिया। आपको दिखाते हैं पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। योगी राज में जो कानून के खिलाफ काम करेगा उस पर बुलडोजर एक्शन होगा। जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो उपद्रव करेगा उस पर प्रशासन का एक्शन होगा। ये तस्वीरें उसी बात की गवाह है। दरअसल बरेली के थाना शाही में 17 जुलाई को मुहर्रम का जुलूस ढोल नगाड़ों के साथ निकाला जा रहा था। जब ये जुलूस मंदिर के पास पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने नई परंपरा बताकर विरोध किया, जिसके बाद रात में सैकड़ों विशेष समुदाय के लोगों ने घरों पर जमकर पथराव किया।
यहां तक कि महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी उपद्रवी नहीं माने और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बवाल के बाद हिंदू पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद बवालियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने टीम गठित की और 37 बवालियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जेल भेजे गए दो बवाली ऐसे भी हैं जिन्होंने पुलिस पर भी हमला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बवालियों के पैर में गोली लग गई। वहीं यहां पुलिस प्रशासन ने ऐसी 16 संपत्तियों को चिन्हित किया है जो अवैध कब्जा करके बनाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ हमले में मारे गए तेजपाल के परिजनों ने आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई के बिना अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और फिर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। बवाल के मुख्य आरोपी बख्तावर के घर पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स के बीच मृतक तेजपाल का अंतिम संस्कार किया गया। हिंदू पक्ष ने इस मामले में जहां 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, तो वहीं पुलिस ने 75 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें से 37 अब पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई से योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का बवाल, उपद्रव या हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच हम अगली खबर आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने पंडाल को लेकर एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि जो भी पंडाल लगाना है उसकी थीम पुलिस प्रशासन को बतानी होगी और साथ ही इजाजत लेनी होगी, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है तुगलकी फरमान तो है ही लेकिन हिंदू विरोधी सोच भी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है? क्या ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं को आजादी नहीं है? बार बार सनातनी परंपराओं पर हमला क्यों कर रही है बंगाल सरकार? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक बार फिर ममता सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है। क्या है वो फरमान, आप भी देख लीजिए। 8 से 13 अक्टूबर तक बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन होना है, जिसको लेकर ममता सरकार ने तुगलकी फैसला किया है, जिसके तहत आयोजकों को पंडाल की थीम पहले से बतानी होगी, थीम के बारे में पुलिस को जानकारी देनी होगी। दरअसल कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम से ममता ने ऐलान किया है कि पूजा पंडाल की थीम की जानकारी पुलिस को देनी होगी। पूजा पंडाल आयोजक कोई भी थीम रखकर रास्तों को रोक नहीं सकते। थीम निश्चय अनेके डिस्क्लोज करते चाहे ना, एटा तार निजस्वता, आमि डिस्क्लोज करते बोलछि ना, किन्तु पुलिस के आपनारा शेयर करुन आपनादेर कत की करते जाच्छेन नतुन करे। ममता के इसी बयान पर अब बंगाल में हलचल तेज है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण करने के आरोप लग रहे हैं, लोग हिंदू विरोधी बता रहे हैं और ममता के फरमान से बंगाल के हिंदू संगठनों में आक्रोश है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी बंगाल में हिंदुत्व थीम वाले दुर्गा पंडाल नहीं चाहती। ममता डरी हुई है क्योंकि पिछले साल अमित शाह ने राम मंदिर थीम पर बने जिस पूजा पंडाल का उद्घाटन किया था, वो बंगाल में सबसे बड़ा शो स्टॉपर बन गया था। ममता ने जो करते हैं ना, बंगाल के अच्छाई के लिए नहीं करते, सभी टाइम उनका पॉलिटिक्स है, वोट आधारित प्लान है, इसलिए वो पहले ही बोल दिया रुपया मिलने के पहले आपका थीम बोलना चाहिए कि वो थीम टीएमसी का साथ दे रहा है क्या नहीं, भाजपा का साथ दे रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट का पैसा उपयोग करके पॉलिटिक्स करना हमेशा उनका काम है। हालांकि ममता बनर्जी का ये चेहरा देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए नया नहीं है। इससे पहले भी ममता बनर्जी सनातनी परंपराओं पर हमला करती रही हैं, जय श्री राम के नारे से चिढ़ती रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप उन पर लगते रहे हैं। लेकिन सवाल है कि बंगाल में करोड़ों हिंदुओं को ये हक नहीं है कि वो दुर्गा पूजा खुलकर मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।